हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले फ्रेंड्स करेले की भरवां सब्ज़ी। जैसे कि मैंने पहले से इसको धो लिए थे करेले के, उसके बाद छिलके हटा लिए, तो ये देखिए छिलका है। आज हम छिलका यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। एक और रेसिपी, एक दो रेसिपी डाल चुकी हूँ मैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। उसमें छिलका के सहित मैंने बनाई है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है और कड़वाहट भी नहीं लगता। और जो हमारे बीज थे वो सब निकाल के मैंने पहले रख लिए हैं और छिलका भी उतार लिया। अब कुछ मसाला लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है जीरा, धनिया पाउडर, सौंफ। मैं यहाँ ले रही हूँ जितना मेरे सब्ज़ी है उसके अनुसार ले रहे हैं। ये आप पहले से भी पाउडर बना के आप रख सकते हैं, जो कि करेले की सब्ज़ी में हमेशा आप डाल के इसको बनाइएगा तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे पीनट्स लिए और लाल मिर्च। आपके पास पीनट्स नहीं हो तो नारियल का बुरादा होता है वो डालिए इसमें, तो भी टेस्ट अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, आमचूर पाउडर। अब इसको हम फ्रेंड्स नमक डाल के पीस लेंगे। यहाँ पे एक बात और फ्रेंड्स बता देते हैं कि आप यहाँ पे जो आपको ग्रेवी के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे बेसन भी डाल सकते हैं, या तो आपके पास भूंजा हुआ कोई नमकीन हो, जैसे फूटा बोलते हैं हम लोग, सेब बोलते हैं जो नमकीन रहता है, वो उसे डाल दीजिए तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्टी बनेगा। उसका मैंने वीडियो पहले से ही दे रखे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। उसके बाद मैंने देखिए इस तरह से पाउडर बना के रख लिया। अभी जो उसका बीचा था करेले का, उसको हम थोड़ी से पीस के दरदरा कर लिए। अब इसको मैं मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक पहले से भी मैंने डाल के रखे मसाला में, तो थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद सरसों का तेल डाल के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंड्स सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जिसमें करेला के बीच से कट लगाए थे उसमें हम भर लेते हैं। यहाँ पे फाइनली भर के हमने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ से कैमरा पर मोबाइल पकड़ी हुई थी तो नहीं भरने बन रहा था। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, तो हाँ आप सोच रहे हैं कि प्रेशर कुकर में करेला कौन बनाता है, तो हाँ फ्रेंड्स प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। उसके बाद इसको हिलाते डुलाते 2-3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे, कलर चेंज होने तक, बस डार्क नहीं करना है। तो ये देखिए कलर कुछ चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम इसको पलट पलट के सेक लेंगे थोड़ी सी तेल डाल के। यहाँ पे अभी कुछ जीरा वगैरह नहीं डाला है, अभी इसके आगे का प्रोसेस बाकी है। तो ये देखिए बहुत अच्छा से पक रहा था, तो दोनों तरफ से एक एक दो दो चम्मच हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के 2 सीटी इसमें हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है फ्रेंड्स आपको, थोड़ा कम डालिए। और यहाँ पे 2 भीसी लगने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स भीसी लग गया, तब तक रिलीज हो रहा है भीसी, तब से हम ग्रेवी का तैयारी कर लेते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स उसमें सिर्फ सॉफ्ट किया है मैंने करेले का, अब ग्रेवी में हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए सरसों तेल और जीरा। जीरा डालने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, और जो हमने पाउडर बना के रखी थी वो मैंने यहाँ पे डाला। इसको फ्रेंड्स स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी आप करेला की कोई भी सब्जी बनाना हो, चाहे इसको फ्राई करना हो करेला को, तो आप इस मसाला को डालेगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। यहाँ पर धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं। यहाँ पे आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, बट आज मेरे पास नहीं था पाउडर जीरा का। ये देखिए मसाला आपका जल रहा है, तो आप क्या कीजिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लीजिए, ऐसे आपका मसाला जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छा से इसको फ्राई भी हो जाएगा। जैसे ही आपका मसाला भून जाए, कलर चेंज होने लगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा मसाला भून जा रहा है या कलर चेंज हो गया, तो भून गया। तब आप इसमें फ्रेंड्स टमाटर का प्यूरी डाल दीजिए।
अभी तो टमाटर सस्ता हो गया था, इसके चलते मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए। अब जब टमाटर नहीं होता, आप इसमें दही फेटा हुआ यहाँ पे आप डाल दीजिए एक कटोरी, तो आपको टेस्ट स्वाद वही मिलेगा। अब इसको थोड़ी सी भून लेते हैं जब से तेल छोड़ने लगा। तो ये देखिए यहाँ पर तेल छोड़ने लगा, तब इसमें हम डाल देंगे दही, तब इसको मिक्स कर लीजिए। हाँ, आपको लग रहा होगा कि दही फट रहा है, तो कोई बात नहीं, मसाला में जो नमक हमने डाला इसके चलते फट रहा है। तो आप जब भी बनाए तो नमक ऐसे स्टोर करने वाला मसाला डालेगा तो उसमें ऑलरेडी नमक रहता है, कोई बात नहीं, मसाला इतना है कि बैलेंस कर लेगा दही को फटने से। तो जब भी आपका मसाला भुन जाए उसके बाद पूरी सब्जी के नमक डाल दें। याद रखें कि मैंने नमक मसाला में भी डाले हैं, तो उसके अनुसार आप नमक यहाँ पर डालिए। अब इसको मिक्स कर लें। यदि आप दही डाल रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, थोड़ा सा चीनी ज़रूर डालें, वैसे मसाला का बैलेंस और दही का बैलेंस ज़रूर करेगा। उसके बाद ग्रेवी आप चाहे तो ठीक रखना है, इसमें नहीं पानी डालना है तो आप यहाँ पे आप पानी नहीं डालिए, फौरन आप दही डालिए करेला, और नहीं तो आप ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डाल कर बनाइए मेरे जैसा। ये देखिए करेला के विसिल रिलीज होने के बाद मैंने यहाँ पे लिए थे, देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा से पक चुका है फ्रेंड्स। अब इसको ज़्यादा इतना सॉफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स कि टूटने के डर लगता है। तो ये देखिए प्रेशर कुकर में भी नहीं लगा था क्योंकि इसमें तेल डाले थे हमने इसके चलते। उसके बाद धनिया पत्ता डाल के उसके बाद हम यहाँ पे करेला को भरवा को डाल के इसको मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि इसमें मसाला नमक सारा चीज़ इसमें मिल जाए। ढक के पका लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 4-5 मिनट में, लो फ्लेम पर इसको पकाइएगा तो बहुत ही अच्छा से पक जाएगा। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे हम पका रहे हैं फ्रेंड्स। 4-5 मिनट होने के बाद हम आप लोग सब देख रहे हैं, तो ये देखिए सब्जी का कलर, वाह, टेस्टी आपको लग रहा है या नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। टेस्टी तो इतना बनता है फ्रेंड्स कि आप क्या बताऊँ, आप लोग मेरे साथ रहते तो किसी को खिलाते तो शायद मेरे को विश्वास करते कि हाँ टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको गैस को बंद करते हैं, उसके बाद हम आप लोग साथ सर्व कर लेते हैं। अब तो पता चल रहा होगा कि टेस्टी बना है, तो हाँ एक बार बहुत बना के देखिए मेरे तरीके से, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और जो हमारे फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। और एक बात और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आप लोग लाइक कमेंट कुछ भी नहीं करते, आपके एक कमेंट एक लाइक से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। वीडियो अपलोड करने का बहुत ही मन करता है, ऐसा नहीं आता है तो नहीं मन करता है, और मेरी वाचिंग टाइम बहुत कम है तो पूरा कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। रेसिपी को इन्जॉय लीजिए नेक्स्ट।